हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में फर्स्ट पेपर में आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के, और प्लस 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट से, तो कुल 120 प्रश्नों का आपका परीक्षा होगा। तो ये दूसरा संभावित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होगा। इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो एग्जाम के ही दृष्टि से दोनों सेट को बनाया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी जो है वो कर्नाटक है, सबसे ज़्यादा जो है 71% कॉफ़ी यहाँ पर होता है। उसके पश्चात अगर इन राज्यों में देखा जाए तो केरल में 20%, ठीक है, तमिलनाडु उसके बाद तीसरे स्थान पे आ जाता है, वहाँ पे जो है 5% काफ़ी उत्पादन होती है। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? BSNL का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैरीकॉम है वर्तमान समय में, ठीक है, मैरीकॉम BSNL का ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, तो प्रथम संशोधन कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार जो है संशोधन हुआ था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे संसद में तत्कालीन भारतीय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास किया गया था। और संविधान के पहले संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तो यहाँ पे आयोग द्वारा सबको कॉमन नंबर दिया गया था, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इनमें से कोई सही नहीं होगा, कॉमन अंक इसमें आयोग द्वारा दिया गया था सबको। और यह जो है दुर्लभ किस्म के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, विलुप्त प्राय जैसे जीव हो गए भारत सिंहा यहाँ पाया जाता है, और आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर में डी विकल्प दिया था चीतों के लिए, लेकिन बाद में जब संशोधन हुआ तो उन उत्तर कुंजी में जो है सभी के लिए कॉमन अंक दिया गया था। तो ये जो है प्रसिद्ध है बाघों के लिए और ख़ास करके जो है बारह सिंघा के लिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक किसको माना जाता है? तो वो बेरोजगारी को, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक जो है वो बेरोजगारी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुँचने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो ये अकाल और बाढ़, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकाल और बाढ़ से जो है मनुष्य को नुकसान पहुँचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जब जनसंख्या की प्रकृति जो है जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं की जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं की जाती हैं, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सीधो और कान्हो से संबंधित है? सीधो और कान्हो से संबंधित है, तो ये है संथाल विद्रोह, ठीक है, सिधो और कान्हो मुर्मू, ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर के 56 में,
इसके नेता थे सिदो और कान्हो मुर्मू। इनका पूरा नाम था कान्हो मुर्मू। ये दोनों जो है संथाल विद्रोह से संबंधित थे और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता साहूकारों व्यापारियों तथा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये नारा था संथाल विद्रोह का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित है, नहीं है, नहीं पूछा है, तो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जो है गंगा के बाएं तट पर स्थित है और पटना हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर, ये दाहिने तट पर स्थित है। वाराणसी में गंगा को उत्तरवाहिनी कहा जाता है, ठीक है, उत्तरवाहिनी कहा जाता है इसको, तो ये जो है बाएं तट पर स्थित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है, तो ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम जो है ये हिमाचल प्रदेश में के रोहतांग दर्रे से हुआ है और जो ये कुल्लू घाटी से बहते हुए यह दक्षिण की ओर बहती है और पंजाब में भारतीय सीमा के पहले यह सतलज में मिल जाती है। और रावी नदी हो गया, सतलज हो गया, चिनाव हो गया, ये पाकिस्तान से होकर जो है बहती हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था, विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था, तो इसमें झांसी और उदयपुर को, दोनों को लिया गया था, ठीक है। झांसी के राजा गंधार राव की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी रियासत पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी और डलहौजी ने जो है व्यपगत सिद्धांत यानी हड़प नीति या जिसको विलय सिद्धांत कहते हैं इसके तहत 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इसी प्रकार 1852 में जो है उदयपुर भी हड़प का सिद्धांत के तहत विलय किया गया था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए कॉमन अंक दिया गया था आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे आप लोग दोनों को याद रखिएगा, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, दोनों सही होगा। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो ये कटवारी आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की को जो है सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे और यह आयोग जो है भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है, तो ये है महबूल उल हक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत थे ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था और उनके अनुसार जो है विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जो है इनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया था। तो ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और इन्होंने ही जो है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को जो है प्रारंभ किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है, तो ये है लालजी सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के जनक माने जाने वाले डॉक्टर लालजी सिंह थे। इन्होंने दिसंबर 2017 में इनका निधन भी जल्दी में हुआ है और डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में पहली बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 1988 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था और पितृत्व से जुड़े इस मामले को सुलझाने के लिए 1991 में पहला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आधारित सबूत भारतीय न्यायालय में पेश किया था इन्होंने, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी साथ आया था, तो ये आया था गजनी के महमूद के साथ, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलबरूनी जो है गजनी के महमूद के साथ भारत आया था और अलबरूनी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसकी रचना है तहकीक ए हिंद,
तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धौला स्थित है, धौली है, धौली स्थित है कहाँ पे? तो इनमें चारों गलत हो जाएगा। धौली जो है उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है, उड़ीसा के जो है पुरी ज़िले में स्थित है। धौली की तीन छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हैं जिनका पता जो है 1837 में कीटो ने लगाया था, ठीक है, कीटो। तो यहाँ पे भी आयोग द्वारा जो है सबको नंबर दिया गया था, तो ये उड़ीसा के पूरे ज़िले में स्थित है, तो यहाँ पे कोई सही नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। 1837 में कीटो द्वारा जो है वहाँ के तीन छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे थे, उसका पता लगाया था, जो धौली पर्वत पर स्थित है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है फाहियान भारत आया था, तो फाहियान भारत कब आया था? तो 399 एडी में, ठीक है, 399 ईसा पूर्व में। चीनी यात्री था फाहियान, और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 399 से ले ईस्वी से लेकर के जो है 414 ईस्वी तक उसने भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो था इब्राहिम लोदी, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ते हुए मारा गया था। यह युद्ध स्थल में मरने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था, कोलीय विद्रोह किन लोगों से संबंधित था? तो ये गुजरात के लोगों से संबंधित था, ठीक है। कोलीय जो है मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे, और अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व तो नहीं रहा, ऐसे में ये बेगार हो गए और ये यत्र यत्र विद्रोह के झंडे बुलंद करते रहे, और 1824 ईस्वी में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के समवर्ती भाग जो गुजरात का भाग है उसमें कोलियों ने विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों द्वारा जो है दबा दिया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। तो ये कोली विद्रोह जो है ये खास करके जो है गुजरात से ही जो है संबंधित है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची, ठीक है, रांची से लेकर भागलपुर तक था बिरसा मुंडा का कार्यकाल। और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज सुधार करना तथा इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। और बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा, जैसे बोंगा हो गया, इनकी पूजा को छोड़ करके जो है अपने अनुयायियों को एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान भी किया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है, ठीक है, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में डोगे क्या श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा महान हिमालय के अंतर्गत आता है, और इस दर्रे के द्वारा जो है दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। वर्तमान समय में भारत एवं चीन के बीच व्यापार इसी मार्ग से होता है। यह दर्रा जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग जो है 54 किलोमीटर पूर्व की तरफ स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कुडनकुलम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु प्रदेश का जो कुडनकुलम है यह स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL के द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार किस में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये नौ संचालकों के द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने और ढूंढने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम
एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल है जिसकी प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, खट्टे फल, मिर्च, अंकुरित अनाज में, ये सभी में जो है विटामिन सी पाई जाती है। अगला है, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो किसके द्वारा, हम कमरे में यदि हैं तो सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा पाते हैं, तो ये प्रकीर्णन के द्वारा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश के प्रकीर्णन जिसको बिखराव कहते हैं उसके कारण प्राप्त करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में उपस्थित कण, वायु तथा अन्य परमाणु जो है प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित प्रकाश की इस मात्रा को जो है बाद में इन्हीं कणों के द्वारा बिखेर दिया जाता है जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसी द्वारा जो है हम अगर कमरे में बैठे हैं तो सूर्य का प्रकाश पाते हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं प्रश्न में बिखराव भी दे देता है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिखराव के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन में बिखराव भी रहेगा तब भी वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है, सबसे उत्तम चालक, तो ये है समुद्री जल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिजली का उत्तम चालक जो है समुद्री जल है क्योंकि समुद्री जल में लवण घोले होते हैं जिससे जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम बिजली का बहना कहते हैं। इस प्रकार समुद्री जल जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यूरोप के निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर है फ्रांस। ठीक है, कृषि या खाद्यान्न उत्पादन फ्रांस की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भले ही यह जो है सकल घरेलू उत्पाद में केवल लगभग 2% का योगदान करता है। फ्रांस यूरोप का देश है जो मूलतः खाद्यान्न उत्पादन पर जो है आत्मनिर्भर है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यूरोप के चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, तो है डेन्यूब। ठीक है, डेन्यूब नदी जो है यूरोप के चार राजधानी, जो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है और बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है और बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है सहित कई महत्वपूर्ण यूरोपीय शहरों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है और यह यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोप से होते हुए काला सागर तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है, तो किम्बरले खान कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले खान और ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है जिसे बिगहोल भी कहते हैं। ठीक है, इसको बिगहोल भी कहते हैं और यह डायमंड खान इतनी बड़ी है कि इसे वास्तव में अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये राज्यों की विधानसभाओं को जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत में राज्यसभा जो है राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह कभी विघटित न होने वाली सभा है जिसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष को होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में जनमत निर्माण के मुख्य तत्व होते हैं, तो जनमत निर्माण के मुख्य तत्व है वो स्वतंत्र प्रेस। ठीक है, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व जो है स्वतंत्र प्रेस होता है और इसे भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं और किसी देश में लोकतंत्र के कुशल प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसको जो है चौथा स्तंभ भी कहते हैं। अगला है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो संसद की बनती है।
नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी जो है संसद की होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य जो है मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से लेकर के जो है 151 के प्रावधानों से जो है प्राप्त किया जाता है। अनुच्छेद 149 के अनुसार ये बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है, श्रमेव जयते कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जुड़ा है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है चलाया गया कार्यक्रम है। 16 अक्टूबर 2014 को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के विकास में श्रमेव जयते की उतनी ही भूमिका है जितना सत्यमेव जयते की है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है किसको? तो सॉफ्टवेयर को। ठीक है, किसी देश में कोर उद्योगों को अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में जो है 8 कोर उद्योग को मुख्य उद्योग में सम्मिलित किया गया है, जिसमें कोयला उत्पादन है, प्राकृतिक गैस उत्पादन है, कच्चा तेल उत्पादन है, उर्वरक उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन है, स्टील उत्पादन है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन है और विद्युत उत्पादन है। तो भारत में कुल 8 कोर उद्योगों को मुख्य उद्योग में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर उसमें सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इलायची का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की ये स्थित है कहाँ पे? तो इडुक्की जो है ये केरल में है। ठीक है, इलायची का उत्पादन बड़े पैमाने पर इडुक्की में होता है और इडुक्की केरल का एक ज़िला है। यहाँ पश्चिम घाट के वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण जो है इलायची का प्रमुख उत्पादन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था पूछा है? अतिवादी नहीं था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अतिवादी नहीं थे बल्कि ये उदारवादी थे, और जबकि ये लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ये सभी जो है अतिवादी थे, यानी गरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नृत्य है और माने हुए कलाकार हैं, इसे मिलान करना है, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही है। तो कथकली के लिए कौन जाना जाता है? तो कथकली के लिए इसमें जो है ये कृष्णन नायर। ठीक है, तो ए में आपका 5 सही हो जाएगा, 5वां नंबर यहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं। एक देख लीजिए, ए में 5 सही हो गया। और कुचिपुड़ी में कौन है? तो राजा एवं राधा रेड्डी। ठीक है, ये कथकली और कुचिपुड़ी में है राजा एवं राधा रेड्डी। तो यहाँ में बी में आपका 4 हो जाएगा। भरतनाट्यम किसको जाना जाता है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति को। तो यहाँ पे सी में 1 हो जाएगा। और कथक में, तो कथक के लिए जानी जाती हैं उषा शर्मा। तो यहाँ पे डी में आपका 2 सही हो जाएगा। तो 5-4-1-2 यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन चारों को अच्छी तरीके से 1-2 बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष है, युद्ध है, इसको मिलान करना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो 1956 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी ना 1956 में, तो यहाँ पे ए में 4 सही हो जाएगा। और 1576 में कौन सा हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था हल्दीघाटी युद्ध, तो यहाँ पे बी में आपका 3 सही हो जाएगा। और 1817-19 में कौन सा हुआ था? ये मराठा का तृतीय युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे सी में आपका 2 सही हो जाएगा। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था,
तो यहाँ पे डी में आपका एक सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4-3-2-1 किस में है, तो 4-3-2-1 आपका बी में है, ठीक है। और इन चारों को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पर्यटक आकर्षण है, स्थान है, इसको मिलान करना है। यहाँ से भी प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो कबीर की समाधि कहाँ पे है, तो कबीर की समाधि ये मगहर बस्ती में है, ठीक है। ए में 4 है। और सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पे है, तो ये फतेहपुर सिकरी में है, तो यहाँ पे बी में आपका हो जाएगा 1। गोविंद देव मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये है वृंदावन में, तो यहाँ पे सी में आपका हो जाएगा 2। और बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो ये कुशीनगर में है, तो यहाँ पे डी में हो जाएगा 3। तो 4-1-2-3 इसमें है, तो 4-1-2-3 आपका बी में है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इन चारों को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला है सिमुक किस वंश का संस्थापक था, तो सिमुक जो था वो सातवाहन का वंश का संस्थापक था, ठीक है। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, जबकि चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय एवं चेर वंश का संस्थापक उदयम जेराल, ठीक है। उदयम जेराल और चोल का था विजयालय और सिमुक का था सातवाहन, तो इन तीनों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक है और रचयिता है, ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन एक इसका पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, तो ये है सलमान रुश्दी का, ठीक है। तो यहाँ पे ए में आपका 3 सही हो जाएगा, ए में तीसरा है सलमान रुश्दी का। और दी फार्चून एट दी बॉटम ऑफ दी पिरामिड ये किसकी है, तो ये है सी के प्रहलाद की, ठीक है। इसमें चौथा में आपका बी हो जाएगा। और दी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, दी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये किसकी है, तो ये चेतन भगत की है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे में सी हो जाएगा। और घर और अदालत ये किसकी है, तो लीला सेठ की है, यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कूट सही हो जा रहा है, बी वाला कूट सही हो जा रहा है, 3-4-2-1, ठीक है। तो इन चारों पुस्तकों को भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये मेरठ के मोदीपुरम में है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करनाल में क्या है, तो करनाल में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय गेहूँ जौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, करनाल में है, ठीक है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यहीं भी करनाल में ही है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये दोनों करनाल में स्थित है, ठीक है। और रांची में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये रांची में स्थित है, ठीक है। और एक और है यहाँ पर भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोद संस्थान, ठीक है। तो यहाँ दोनों याद रखिएगा, इसमें भी 2 है, ये भी महत्वपूर्ण है। और लुधियाना में है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और मेरठ में एक और है केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये भी मेरठ में ही है। तो इन चारों जो चारों है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनाए जाते हैं। तो जितने बनाए हैं सब लोग आप लोग याद रखिएगा, और इस प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरठ का जो एक और है इसको याद रखिएगा, गोपशु अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये दोनों जो है यहाँ पे मेरठ में स्थित हैं। अगला है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो ये 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा
इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया और इसके पश्चात जो है इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। टिहरी बांध भी भागीरथी नदी पर बनाया गया है, तो दोनों को याद रखिएगा, टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध दोनों जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है और ये जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है दक्षिण पश्चिम जर्मनी में है, जबकि ये ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, वाइट पर्वत, ये सभी पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लैक, ठीक है, जितने भी कलरफुल हैं ये सभी अमेरिका में हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट जब जुड़ जाता है तो ये जो है जर्मनी में है, दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम है, तो उसका नाम है भारती, ठीक है। दिसंबर 1983 में अंटार्कटिक महाद्वीप पर जो है भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, खनिज, इन सभी के परीक्षण हेतु एक अस्थायी मानवयुक्त केंद्र दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित किया गया और दिसंबर 1988 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई, ठीक है। और यहाँ पे मार्च 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है और वर्तमान में मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र ही सेवा में है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है बोस्पोरस जलसंधि जोड़ती है, तो बोस्पोरस जलसंधि किसको जोड़ती है? तो ये काला सागर एवं मरमारा सागर को, ठीक है, बोस्पोरस जलसंधि काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ती है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है, तो फॉकलैंड द्वारा जो है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे जो है ये प्रवाहित होती है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे जो है फॉकलैंड धारा दक्षिण की ओर से आती है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। और ब्राज़ील धारा जो है, ब्राज़ील धारा और फॉकलैंड धारा का मिलन जो है अर्जेंटीना के तट पर होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है और अतः अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे जो है फॉकलैंड धारा प्रवाहित होती है। तो इसका संगम होता है, ब्राज़ील धारा और फॉकलैंड धारा का संगम जो है अर्जेंटीना के तट पर होता है, तो ये अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे जो है ये प्रवाहित होती है। अगला है टर्की का कौन सागर पश्चिम का द्वार है? तो ये है इस्तांबुल, ठीक है, टर्की का नगर जो है इस्तांबुल पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इसे सात पहाड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और इस्तांबुल का विस्तार जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये था फर्रुख शेर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल शासक जो फर्रुख शेर द्वारा जो है 1717 में एक फरमान जारी किया गया जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।